बच्चे, पिछली क्लास में हम लोग यहाँ पे छोड़ चुके थे कि भैया दो महाशक्तियाँ जो थी वो निकल कर सामने आई, ठीक है। मैंने बताया कैसे आई, परमाणु बम का निर्माण करके आई, एक ने परमाणु बम को यूज भी किया, ठीक है ना। अमेरिका ने परमाणु बम गिराया और सोवियत संघ ने बनाया, ठीक है। ऐसे क्या हुआ, दो महाशक्ति निकलकर सामने आई विश्व के अंदर, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। अच्छा, दोनों का उद्देश्य क्या है, हमें विश्व में क्या बनना है, नंबर वन बनना है। विश्व में क्या बनना है भैया, नंबर वन बनना है, ठीक है। यहां तक मैं बता चुका था कि नंबर वन कैसे बनते हैं, जिसकी ज्यादा बड़ी सेना होगी वो नंबर वन बनेगा। तो अपनी सेना को बड़ा करने के लिए इन दोनों ने अपनी अपनी विचारधाराएं अपनाई। अमेरिका ने अपनाया मेरे बच्चे पूंजीवाद, और मेरे बच्चे सोवियत संघ ने अपनाया साम्यवाद, ठीक है। अमेरिका ने अपनाया बेटा पूंजीवाद, और सोवियत संघ ने अपनाया मेरे बच्चे साम्यवाद, ठीक है। अच्छा, पूंजीवाद का मतलब क्या होता है, पूंजीवाद क्या है मेरे बच्चे, ठीक है, एक बार समझो बेटा। पूंजीवाद का मतलब मैंने बताया बच्चों आपको कि पूंजीवाद का मतलब क्या होगा भैया, पूंजीवाद किस पे डिपेंड होता है, निजीकरण पर। किस पे निर्भर होता है मेरे बच्चे, ये निजीकरण पर निर्भर होता है, ठीक है। पूंजीवाद को किसने अपनाया, अमेरिका ने अपनाया। पूंजीवाद किस पे निर्भर है, निजीकरण पे। निजीकरण का मतलब क्या होता है, निजी मतलब क्या है, पर्सनल। पर्सनल मतलब मेरे बच्चे प्राइवेट, ठीक है, यानी कि हर किसी को अपनी प्राइवेट चीज रखने का अधिकार होगा पूंजीवाद के अंदर। मान लो अगर ये पेन मेरा है तो मेरा है, इसमें किसी और का अधिकार नहीं है, बस समझ में आ रही है, सरकार का है और ना किसी और का है। घर मैंने खरीदा हो तो घर मेरा है भैया, बस समझ में आ रही है। इसे बोलते हैं कैपिटलिज्म, यानी कि पूंजीवाद, जिसमें क्या होता है, प्राइवेट ऑनरशिप का राइट दिया जाता है, हर किसी को अपनी पर्सनल चीज रखने का अधिकार दिया जाता है, मेरी मर्जी में अपनी चीज को कैसे भी यूटिलाइज करूं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है साम्यवाद, सोवियत संघ ने अपनाया साम्यवाद, कम्युनिज्म बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं कैपिटलिज्म, इसे बोलते हैं कम्युनिज्म, ठीक है। यानी कि अब साम्यवाद डिपेंड था समाजवाद पर, किस पर निर्भर था मेरे बच्चे, समाजवाद पर। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें हर किसी को एक बराबर किया जाता है। अच्छा, हर किसी को एक बराबर कैसे कर दोगे, जो नेचुरल इनइक्वालिटी है वो तो खत्म कर ही नहीं सकता कोई, काले को गोरा, गोरे को काला, मोटे को पतला, पतले को मोटा, छोटे को बड़ा, बड़े को छोटा, सब तो इक्वल नहीं उस तरह इस बेस पे, नेचुरली तो नहीं हो सकते, है ना, प्राकृतिक असमानता है। तो ये कौन सी असमानता खत्म करता है, ये करता है आर्थिक असमानता खत्म, ठीक है। तो ध्यान रखिए बच्चे, यहाँ पर जो साम्यवाद है, सोवियत संघ ने अपनाया साम्यवाद को, जो डिपेंड था समाजवाद में, जिसमें क्या होता है, समाज में हर किसी को एक बराबर किया जाता है सरकार के द्वारा। और सरकार कौन सी होती है, यहाँ पे सरकार होती है मेरे बच्चे एक ही पार्टी की सरकार होती है, जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी मेरे बच्चे, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार होती है। अब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार क्या करती है, सभी लोगों को एक बराबर कर देती है, ठीक है। मान लेते हैं कि आपके पास 5 लाख रुपए हैं, एग्जाम्पल देकर के, और अगर आप इस वाली कंट्री में हो तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर क्या बताया मैंने, हर किसी को अपनी प्राइवेट चीज रखने का अधिकार है। अगर आप पूंजीवादी हो, आपके 5 लाख रुपए हैं, आपके ऊपर डिपेंड है, आप कुछ भी करो, इट्स ऑल ओवर डिपेंड ऑन योर माइंड, है ना, आपके दिमाग के ऊपर निर्भर है। आप चाहे 5 लाख रुपए गड्ढा खोदो, कहीं पे रख दो, डबल हो जाएंगे भाई, जैसे भी कर सकते हो आप तो, ना, ठीक है, आपका पैसा है ना। आप चाहे तो भैया कहीं पे एजुकेशन पे लगा दो, आप चाहे तो भैया डिस्को में चले जाओ, पब वब में चले जाओ, आपका पैसा कहीं भी खर्च कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें ऐसा बोला गया है, अगर मान लेते हैं ये 5 लाख रुपए आपके पास हैं और आप इस कंट्री में हो, तो आपसे सरकार ये 5 लाख रुपए छीन लेगी। तो क्या हो गया, रो क्यों रहे हो भाई, छीन थोड़ा है, ठीक है, लेकिन बता रहा हूं, ठीक है, क्या होगा भैया, ये 5 लाख रुपए आपसे छीन लेगी। और क्या करेगी भैया, छीन करके मेरे बच्चे 5 लोगों में, एग्जाम्पल देखिए बता रहा हूं मैं, सब 5, 10, 15 जितने भी लोग हैं, 5 लोगों में बराबर बराबर बांट देगी, है ना। कल तक जो आपके घर में काम करता था वो क्यों करता था आपके घर में काम, मान लो कि घर में कोई मेड है, कोई भी है, वो क्यों करता है काम, क्योंकि आप उन्हें सैलरी दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, यानी कि आप उनसे ऊपर हो, बस समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब मेरे बच्चे यहाँ पे ध्यान रखो, जो ये 5 लाख रुपए सरकार ने छीन लिए, जो कल तक आपके घर में काम करता था और आपको गुड मॉर्निंग सर बोलता था, वह आज सुना बोलेगा, क्योंकि वो क्या करा भाई, सरकार ने पैसा छीना और सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली, यानी कि इक्वली बांट दिया सबके पास पैसा। तो जो कल तक आपको गुड मॉर्निंग सर बोलता था, वो अब क्या बोलेगा, और भाई क्या हाल है,
है ना, ऐसे बोलेगा ना, क्योंकि अब क्या हो गए सबके सब इक्वल हो गए, और यहाँ पर इक्वल किसने किया, सरकार ने किया। सरकार कौन है यहाँ पर, ये कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि यहाँ पर मेरे बच्चे सभी लोग एक बराबर होते हैं। एक बराबर होने का मतलब होता है कि यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी जो है, यानी सरकार जो है यहाँ पर, यहाँ पर सरकार के अंडर में सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप है, आप अपनी कंपनी खोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई राइट्स नहीं था। यहाँ पर क्या था भैया कि साइट से किसके अंडर में होगी, सरकार के अंडर में होगी, यहाँ पे सभी की सरकारी नौकरियां होंगी। बस समझा रही, यहाँ पर ये छोटा बड़ा कोई कुछ नहीं होगा, ठीक है, सब कुछ क्या होगा भैया यहाँ पर इक्वली होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और देखो मेरे बच्चे क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखो भाई कम्युनिस्ट पार्टी जो बोलती है, वो बोलती है कि भाई तुम सबको एक बराबर किसने किया, मैंने किया, सरकार ने किया, तो भाई मेरे खिलाफ बोलने का किसी को भी अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली जाती है, यानी किसी को भी अपने विचारों को प्रकट करने का अधिकार नहीं होता है। समझ में आ बेटा पूंजीवाद साम्यवाद, ठीक है। तो ध्यान दो बच्चे यहाँ पर कि अब विश्व में अधिक देश अगर पूंजीवाद होंगे तो अमेरिका नंबर वन बन जाएगा, विश्व में अधिक देश अगर साम्यवाद होंगे तो नंबर वन कौन बन जाएगा, सोवियत संघ बन जाएगा। तो अब नंबर वन बनने की होड़ चालू हो चुकी, ठीक है ना, यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से सीटी शुरू हुआ, सीटी में दो महाशक्तियां के सामने आई, इन दोनों महाशक्तियों ने यूएसए, अमेरिका और सोवियत संघ ने, इन दोनों ने मिलकर के, सोवियत संघ का नाम है यूएसएसआर, ठीक है, ध्यान रखें से, और ये यूएसए अमेरिका हो गया, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में होड़ चालू हो गई विश्व में नंबर वन बनने की, और विश्व में नंबर वन बनने के लिए इन्होंने क्या करा, अपनी अपनी विचारधाराओं को प्रमोट किया, इसने पूंजीवाद को अपनाया, साम्यवाद को अपनाया। अगर विश्व में अधिक देश पूंजीवादी हुए तो अमेरिका नंबर वन, विश्व में अधिक देश साम्यवादी हुए तो सोवियत संघ नंबर वन। समझ बेटे यहाँ पर ये, ठीक है। तो इस तरह से दो महाशक्तियों के विश्व की शुरुआत हो रही है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये समझ में अभी किसने क्या क्या अपनाया, ठीक है। तो अच्छा, इन्होंने कैसे विश्व को दो भागों में डिवाइड किया, कैसे कैसे यूरोप का विभाजन किया, जर्मनी का विभाजन किया, ये सब पढ़ेंगे बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ओके, बाय, जय हिंद।